तो भैया आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जानकारी लेने वाली ये बात है। ये टॉपिक के बारे में जानना है क्योंकि आप लोग, हम सभी लोग यार ऐसी गलतियां कर देते हैं, हम लोग किसी के ऊपर ऐसे ही अनजाने में विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है क्योंकि आप वो जमाना नहीं रहा जिसके ऊपर आप तुरंत विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा बदल चुका है। वेल, अगर आपको ये सब जानना है कि आखिर मैं आज कैसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई टेक की आपको, मैं देखिए सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, मैं कोई किसी प्रकार का कोई टेक्नोलॉजी आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ। मैं कुछ टॉपिक के बारे में आप बात करने जा रहा हूँ जो कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। तो अगर आपको ये सब जानना है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहो। टिंडे ले लो, टिंडा ले लो। यार परेशान कर देता है यार, रोज रोज ऐसे ही परेशान कर देता है। तो भैया क्या हुआ, कल एक सैमसंग का स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा था, उसी वक्त एक फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस, ओके बहुत ही ज्यादा फेमस है एक टेक ब्लॉगर जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो उस समय उस स्मार्टफोन की बहुत ज्यादा बढ़ाई कर रहे थे, लह बढ़ाई उसकी, लह बढ़ाई मतलब उससे इतना ज्यादा उससे प्रभावित हो गए थे जैसे लगता है। उस समय आपको बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोग तो इतना समझदार हो और इस आपके पास उतना नॉलेज भी है तो आप समझ गए होंगे कि बस बढ़ाई करते जा रहे थे उसकी। तो इसी बात पर स्वामी के वाइस प्रेसिडेंट मनु जैन जी, उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बड़ी ही ज्यादा दुख की बात है कि फेमस टेक ब्लॉगर स्मार्टफोन के बारे में बस बढ़ाई करते जा रहे हैं, बढ़ाई करते जा रहे हैं, बढ़ाई करते जा रहे हैं, उसके अच्छे अच्छे फीचर्स के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ऐसे ऐसे यूट्यूबर के वीडियो को देखते हैं कि वो जो वो किसी स्मार्टफोन के बारे में बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं, बस उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए उन्होंने चाहे जो ट्वीट किया वो उन सबसे मेरा कोई मतलब नहीं, मैं आपको बस उस टॉपिक के बारे में समझाना चाहता हूँ, उस टॉपिक से के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग कोई स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, चाहे हम ऑनलाइन से खरीदें या हम कहीं ऑफलाइन खरीदने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, फेमस जो टेक्निकल चीज़ यूट्यूबर होते हैं, फेमस यूट्यूबर उनकी वीडियो को देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग किसी के वीडियो को देखते हैं तो जो बंदा आपको वीडियो दिखा रहा है, जो फेमस यूट्यूबर आपको आपको उस स्मार्टफोन से रिलेटेड सारी चीज़ें बता रहा है, देखिए वो क्या करते हैं, अब जमाना बहुत ज़्यादा बदल चुका है क्योंकि अब क्या है, अब देखिए जैसे बहुत ज़्यादा इस समय चला है स्पॉन्सरशिप, मतलब कई कई तरह के किसी का स्मार्टफोन अगर रिव्यू कर रहे हैं तो वो पैसे लेकर करता है। क्योंकि देखिए जो आप फ्रंट साइड में देख रहे हैं, जैसे कि आप मुझे देख लीजिए, देखिए मैं बाहर से साफ सुथरा लग रहा हूँ ना, लेकिन यार सही बता दूँ मैं आज 4-5 दिन से नहीं आया हूँ, सही बता दूँ 4 से 5 दिन मुझे हो गया नहाते नहीं आया हूँ। तो यही बात आप समझ गए होंगे, देखिए कि जब हम किसी यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं तो हम तुरंत उसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, उसी उसके बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आपको ये आपको खुद समझना होगा कि अगर हम किसी स्मार्टफोन के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्मार्टफोन किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप नॉलेज ले रहे हैं तो उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को समझिए, तब आप किसी चीज में पैसे इन्वेस्ट करिए। ऐसे ही नहीं कि आप किसी फेमस यूट्यूबर का वीडियो देख लिए, हाँ वो कह दिया इसमें इतना अच्छा अच्छा प्रोसेसर है, इतनी जीबी का रैम है, इसका चिपसेट इतना अच्छा है, इसकी कैमरे इतनी अच्छे हैं। देखिए इन सब पर विश्वास मत करिए, किसी के ऊपर विश्वास मत करिए। देखिए मैं आपको खुलकर बताना चाहता हूँ कि ये सब बहुत ही यार बेकार सी चीज़ होती है, कि यार बहुत से मैंने यूट्यूबर को देखा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ कैमरे पर, कि बात ये है यार देखो कि वो पैसे ले लेते हैं, पैसे लेने के बाद मैंने इतना भी देख लिया है कि ऐसे ऐसे स्मार्टफोन हैं, ऐसे ऐसे गैजेट्स हैं जो यार बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी के, बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी का, और वो पैसे लेकर अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, यार बहुत ही ज़्यादा गलत की काम है यार। देखो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यार जो होते हैं हम लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, यानी कि हम लोग यूट्यूबर के ऊपर विश्वास करते हैं, और यार हमें वो बंदा हम लोग के साथ विश्वासघात करता है, क्योंकि हम लोग जब देखो उसके बातों पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद हम जाते हैं ऑनलाइन स्टोर पर, ऑफलाइन स्टोर पर, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं स्मार्टफोन खरीदते हैं, उसके बाद जब बाद में लाते हैं तो देखते हैं यार बेकार सा फ़ोन है, किसी काम के लायक नहीं है। तो यार इसी नाते आप लोग को कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं तो पहले आप उसके अच्छाइयों को साथ साथ बुराइयों को भी समझिए, तब उसके बाद आप किसी भी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करिए।
भैया कल मैं गया था एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने। मैं अंदर जाते ही पूछा, मेरी बातचीत मैनेजर से हुई, उन्होंने सारा चीज मुझसे पूछा। फिर बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप क्वालिफाइड भी हो, आपके पास नॉलेज भी है और आप के अंदर टैलेंटेड कूट कूट के भरा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, पर उन्होंने बाद में मुझसे ये कहा कि आप यार बहुत ज्यादा हैंडसम हो। मैं सोचने लगा कि आखिर में इसमें क्या, ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको रख नहीं सकता अपने यहाँ। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कहा कि अगर मैं आपको रख लूंगा तो मेरे यहाँ की लड़कियां रह पाएंगी। तो हुई ना बात।